आज हम आए हैं हमारे छोटे भाई जिन शहर के पास, उन्होंने एफबी पर और इंस्टा पर मेरे वीडियो देखे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपके जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं और उनके जो कुछ प्लांट्स हैं जो अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ मशवरे के लिए मुझे बुलाया है। तो आइए बात करते हैं दिल शेर साहब से, उनसे पूछते हैं उनकी समस्या और उनकी क्या उन्होंने देखा ऐसा मेरे गार्डन में। उसमें अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके जितने भी फेसबुक के ऊपर और इंस्टा पे जितने भी आपके वीडियो देखे हैं, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे वीडियो देखकर। और जिस बखूबी से आपने उन सब चीज़ों को इतनी खूबसूरती से आपने अपने हाथों से लगा के इतना खूबसूरत बनाया गार्डन को, कि जैसे बाहर अपन मार्केटों में जो गार्डन लगे गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा आपका गार्डन लग रहा है, और जिससे काफ़ी अच्छा माहौल बनता है, फैमिली में भी एटमोसफेयर काफ़ी अच्छा लगता है, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और जिस तरह से आपने पेड़ों को लगाया है, जितनी खूबसूरती से उनको डेकोरेट किया है, वो काबिल तारीफ है आपकी। तो इसीलिए जैसे मैंने भी काफ़ी टाइम से घर पे छोटा गार्डन लगा रखा था, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि एक बार इनको मशवरे के लिए बुलाया था, कि मैंने कहा आप भी एक बार आए, थोड़ा हमें भी लाए थे कि हमारे पेड़ आपकी तरह कैसे ग्रो करें, हमारे पौधे कैसे ग्रो करें। तो इसलिए मैंने आज इनको थोड़ी तकलीफ दी थी और आज ये मेरे कहने से आगे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो दोस्तों आपने सुना दिलशेर जी को, अब आइए का गार्डन का थोड़ा विजिट करते हैं और देखते हैं इनके प्लांट्स। वैसे तो बहुत अच्छे इनके प्लांट्स हैं और बहुत अच्छी जगह भी रखे हुए, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है बहुत अच्छा है, खुला हुआ है और ये प्लांट्स ज्यादातर इंडोर प्लांट्स ही हैं। और एक समस्या और आपने बताई थी मुझे चींटियों की, भाई मेरे यहाँ पर जो मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसमें काफी चींटियां हो रही हैं। चींटियों के वजह से मेरे को लगता है कि मेरे पेड़ ग्रो नहीं कर रहे, तो थोड़ा आप इसके लिए राय देंगे जी, आप मुझे बताएं उसके लिए आपने कुछ फर्टिलाइजर या कुछ डालते हैं क्या करते हैं? बिल्कुल, मैं मार्केट से फर्टिलाइजर लेकर आया था लेकिन वो फर्टिलाइजर भी काम नहीं करा, उसके बाद भी कंटिन्यू चींटी होगी, तो थोड़ा आप मशवरा दें कि उसको कैसे सही। चलिए देखते हैं आपका, इसमें मैं कुछ देख रहा हूँ कि क्या डला हुआ है इसमें। इसमें कम्पोस्ट खाद है वो डालेंगे, सब में कम्पोस्ट डालेगी। एक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी जो मिट्टी है देखिए, वैसे तो बहुत भुरभुरी है, पोरस मिट्टी लग रही है मेरे को, पर इसमें देखिए नमी है, इसकी मिट्टी में नमी है अभी भी बहुत, क्योंकि इन्होंने आई थिंक बजरी जो होती है जो हम लोग डालते हैं अपने पोरस मिट्टी बनाने के लिए, वो आई थिंक इसमें नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वो उसकी कमी है। और ड्रेनेज होल तो आई थिंक हो गई जरूर इसमें, बिल्कुल नहीं ड्रेनेज होल नहीं इसमें। नहीं, नहीं वो बहुत ऊपर दे रखा है आपने, हाँ एक इसमें ये गलती हो गई आपकी, ड्रेनेज होल तो है बट उसमें पानी ड्रेन नहीं निकलता होगा, क्योंकि वो जो उन्होंने ड्रेनेज होल होता है ना, इसका प्लास्टिक का कोई खाली गमला है क्या? देखिए इनके प्लांट्स में एक तो मैंने ड्रेनेज होल की देखी है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, देखिए अगर ये खाली गमला लेके आते हैं। और एक इन्होंने भाई ने मुझे बताया कि इनके यहाँ चीटियां हो रही हैं बहुत, बेटे चीटियों वाला दिखाना, ये देखिए इनके बहुत चीटियां हो रही हैं, पर मुझे इन्होंने भाई ने बताया है कि ये लोग चाय की पत्ती डालते हैं इसमें, और चाय की पत्ती जो डालते हैं वो ये बिना वॉश करे वो डालते, तो इसका एक चीटियों का कारण तो हमको पता लग गया है कि ये लोग आप ऐसे डालते हैं, बिल्कुल चाय की पत्ती डालते थे, मतलब चाय छानी और अपन ने चाय छानी हल्की से धोया डाल दिया बस, हाँ तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही हो गई है, क्योंकि उसमें मिठास होती है, चाय और दूध दोनों चीजें, सॉरी शक्कर और दूध होता है, तो उसकी मिठास से ये आ रही है। और एक चीज और है, इनका जो पॉट है वो देखिए बिल्कुल जमीन पे रखा हुआ है, तो अगर आप इसको स्टैंड पे रखेंगे तो ये बहुत बेस्ट रहेगा इन पौधों के लिए। और इसकी मिट्टी देखिए बहुत गीली है, मतलब गर्मी में भी अभी तक इतनी गिरी। इसको पानी कब दिया आपने? और सुबह, अच्छा सुबह ही दिया, हाँ सुबह ही दिया, हाँ फिर ठीक है, पर इसमें वही पोरस मिट्टी नहीं है, इसमें भी वो कमी है आपके बजरी की, मतलब हम लोग मिट्टी जब बनाते हैं ना तो बहुत पोरस मिट्टी बनाते हैं, उसमें हमें बजरी का कुछ परसेंट डालना होता है, जैसे 10-20% हम लोग बजरी मिलाते हैं इसका मिट्टी में, ये अपने यहाँ आके आती है, इसको क्ले का रहता हम लोग बोलते हैं, तो ये होता तो बहुत पोरस है, पर ये पानी को ज्यादा अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है, पर अगर आप इसमें वो मिला लेंगे बजरी तो ये आपकी बहुत अच्छी पोरस मिट्टी हो जाएगी, और आप इसको
स्टेम पे रखें ताकि इसका पानी जो है वो ड्रेनेज हो जाए। मुझे ऐसा ही लग रहा है इसकी ड्रेनेज होल में शायद प्रॉब्लम, वो लाए थे ना बाकी जी जी हाँ। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तीन चीजें मैंने इनके कमी देखी है, बाकी इनका एरिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ क्यों ग्रो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत खुला हुआ रोशनीदार और आई थिंक यहाँ से धूप भी कभी कभी आती होगी सर्दी में। तो जो मेरे समझ में आया दोस्तों वो एक तो मिट्टी की प्रॉब्लम है क्योंकि मिट्टी ज्यादा गीली रहती है इनकी और प्लस इनके जो फर्टिलाइजर आप देते हैं कब कब देते हैं? 15 दिन में एक बार देते हैं। कितना देते हैं और कैसे देते हैं? ओ, इसी मिट्टी का थोड़ा सा लेते हैं, मिट्टी के अंदर मिला देते हैं थोड़ा सा, इसकी गुड़ाई वुड़ाई कुछ थोड़ी बहुत करते हैं गुड़ाई करके देते हैं। तो चलिए एक समस्या आपकी मेरे समझ में आ गई चीटियों वाली और दूसरी समस्या आपकी मिट्टी की है जी, और वो है कि इसकी मैं पोरस नहीं है और ड्रेनेज होल का मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें पानी ड्रेन होता होगा या नहीं। तो एक तो आप इसका ड्रेनेज होल का वो करें, मतलब पानी जब हम गमले में डालें डालते ही नीचे निकल जाना चाहिए, मतलब तो उसमें ठहराना है वो हाँ, वो मुझे लग रहा है कि आपके प्लांट्स में कमी है। और आप एक बाहर भी कुछ बता रहे थे नींबू का पेड़ या कुछ हाँ भाई आप इसके लिए भी मुझसे कुछ बता रहे थे, ये नींबू का पेड़ है बिल्कुल, ये नींबू का पेड़ आप 3 साल हो गए इसमें कोई फल वगैरह नहीं आ रहा है, ग्रो भी कर रहा है लेकिन इसके अंदर फल नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका नींबू का पेड़ है और बहुत ग्रीन है और बहुत अच्छे से फल फूल भी रहा है पर इसमें फल नहीं आ रहे हैं। तो अब एक चीज जो मेरी समझ में आई है वो सबसे बड़ी है, इसको धूप प्रॉपर नहीं मिल रही है, प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है सबसे बड़ी है इसकी कमी है क्योंकि इस पर ये जो आप देख रहे हैं झुमका बेल सहरा बेल इसमें लगी हुई है मधुमालती, तो इसने इसकी धूप को रोक दिया है। और नींबू एक ऐसा प्लांट्स होता है या फलदार कौन सा भी प्लांट्स हो उसमें प्रॉपर धूप चाहिए, मतलब फुल सनलाइट चाहिए दिन भर की, तो मुझे इसमें एक कमी आ गई। तो आप इसको कुछ ऐसा करें कि इसमें धूप आए बिल्कुल इसके हाँ ऐसा कुछ करें और इसकी जो है इसको अच्छे से गुड़ाई करके और इसमें खाद देंगे, अभी तो नहीं अभी तो सीजन नहीं है इसका, तो हम लोग इसको इसको तो हम लोग इसको करेंगे नवंबर दिसंबर में इसकी गुड़ाई करके अच्छे से कटिंग करेंगे। और दोस्तों एक बात और बता दूं इसमें फल क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें फल शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये बीज से ग्रो किया है और जो हम लोग बीज से ग्रो करते हैं उसमें बहुत लेट फल आता है। तो इसमें मुझे जो कमी मालूम थी वो दो चीज़ों की है, एक तो फुल सनलाइट नहीं आना और दूसरा बीज से ग्रो करना, इसमें ये बीज से ग्रो है और इंशाल्लाह इसमें भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे जब तो इसमें अच्छे से गुड़ाई करके खाद वाद इनको देंगे और इनको कुछ टिप्स देंगे कि इसमें फल आएं। और झुमका बेल तो इनकी बहुत ही प्यारी हो रही है, एक बार देखिए आप कितनी ज़बरदस्त हो रही है और ये शाम को बहुत अच्छी महकती भी होगी है ना बिल्कुल। और ये खाली जगह देखिए दोस्तों इनकी पड़ी हुई है, मैंने इनसे कहा है यहाँ आप अपना सब्जी लगा सकते हैं बस थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगी, तो भाई अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे इसको खुदवा देंगे और उसमें क्यारी बनवाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी सब्जी हो जाएगी, आप घर की बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिल्कुल, आप कोशिश करेंगे हाँ बिल्कुल आप कोशिश करिए और बिल्कुल सर और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और आपको कैसा लगा थोड़ा बता दे, आप यहाँ आए आपने इतने अच्छे मशवरे दिए मेरे को हमारे को, इंशाल्लाह इससे हमारे को फायदा जरूर होगा और आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके थैंक यू, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल के गार्डनिंग, उसको सब्सक्राइब भी करें शेयर भी करें और अपने दोस्तों में उसको लाइक भी करें, थैंक यू। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings.